तक ले जाएंगे। इधर सुनवाई के दौरान लगातार रामगढ़ कोर्ट में अनुपस्थिति रहने के कारण धनबाद नगर आयुक्त चंद्रमोहन प्रसाद कश्यप पर न्यायालय ने लगाया है न्यायालय ने 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट केस किए थे तो फोन पर बात हुई थी उनसे, तो फिर वो बोले थे कि पैसा के कोर्ट केस वापस करिए। तो हम बोले 9 साल हो गया, कोई 1-2 दिन का बात नहीं है। 9 साल में हम अपना पति का घर क्या होता हम देखे नहीं है। झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले हटाए गए सफाई कर्मियों ने धनबाद नगर निगम कार्यालय परिषद में धरना दिया। इस दौरान सफाई कर्मियों ने मेयर और नगर आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं फेडरेशन के उपाध्यक्ष ने बताया कि पिछले 10 सालों में वे सभी सफाई के काम में लगी हुई थी और अब बिना सूचना उन्हें काम से हटा दिया गया। सफाई कर्मी को डराया जाता है, धमकाया जाता है, अब तो अति कर दिया गया कि सभी को बेरोजगार कर दिया गया। देश में जनता की राय और अधिकार हाशिए पर है। धारा 370 समेत विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बातें कही, जो विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर अपने समुदाय के लोगों के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। कशिश से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की निगाहें सिर्फ जमीनों पर हैं, जमीन पर रहने वालों पर नहीं। मौजूदा सरकार आदिवासियों के हितों का दिखावा कर रही है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। आज दुनिया भर के तमाम आदिवासी एक नारों के साथ कि दुनिया भर के आदिवासी एक हों, इस नारों के साथ 350 मिलियन आदिवासी विश्व भर में आज इस तारीख को जश्न के तौर पर, अपनी सामुदायिक एकजुटता के तौर पर मना रहे हैं। रांची की सड़कों पर प्रमुख नेता, आदिवासी समुदाय के लोग सड़क पर निकले हैं अपने कुछ मांगों के साथ, कुछ बातों के साथ, और इस एकजुटता को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारे साथ हेमंत सोरेन हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और इस आदिवासी समुदाय से ताल्लुक भी रखते हैं। आज सड़क पर अपने समुदाय के लोगों के साथ निकले हैं ताकि इस तारीख को वो अपने समुदाय के लोगों के बीच में मना सके। एक संघर्ष की तारीख भी है, एक संकल्प की तारीख भी है आदिवासी समुदाय के लिए। जानते हैं कि इस बार जैसे कि जो यूएनओ ने घोषित किया है आदिवासी भाषा को थीम रखा है, आप क्या मानते हैं इस वक्त कहाँ है आदिवासी? देखिए, इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से आदिवासियों का उद्धार नहीं हो सकता। जब तक प्राकृतिक संसाधन पर आधिपत्य आदिवासियों का नहीं होगा, आदिवासियों की अस्मिता नहीं बच पाएगी। आज विकास के नाम पर जिस तरीके से आदिवासियों का जमीन हड़पा जा रहा है, जंगल उजाड़े जा रहे हैं, नदी हड़पा जा रहा है, सरना स्थल हो, मसना स्थल हो, सभी चीज़ें आज इनको रोकना होगा, तभी आदिवासी बच पाएगा। क्या धारा 370 के हटाने को भी कुछ लोग जमीन से ही जोड़ कर देख रहे हैं? धारा 370 आज के विषय पे जो राजनीति हो रही है, पहली बात कि कश्मीर भी भारत का हिस्सा है, वहाँ की जनता भी भारत के निवासी हैं। आज कोई भी चीज़ें जनमानस की मांग के आधार पर लोकतंत्र में होता है, और लोकतंत्र में जब तक लोगों को विश्वास में ना लिया जाए तब तक कोई भी कदम उठाना घातक साबित हो सकता है। अब हमारे राज्य में CNT SPT कानून है, आपने देखा होगा बिना जन भावना के मौजूदा सरकार ने CNT SPT पर किस तरीके से हमला बोला था। तो आदिवासी भाई इस विषय पर मुखर होकर सड़क पर उतरे, तभी आज ये बच पाया है। तो इस तरीके से देश या राज लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा, संविधान के माध्यम से चलेगा या फिर गुंडागर्दी से चलेगा, ये तय करना जरूरी है मौजूदा स्थिति पर। झारखंड के आदिवासियों को की हालात इस वक्त क्या देख रहे हैं आप, विपक्ष के नज़रिए से, अपने पार्टी के नज़रिए से झारखंड के आदिवासियों को किस जगह देख रहे हैं? आज इसकी अस्मिता खतरे पर है, आदिवासियत खतरे पर है। सत्ता पक्ष जब ये बार बार आरोप लगाती है कि विपक्ष विकास में
जब सरकार रही विपक्ष की यानी कांग्रेस की सरकार रही तो आदिवासियों को फोकस नहीं किया गया और इस पिछड़ेपन की वजह जो है वो कांग्रेस को ही मानती है। तो पूरा 5 साल केंद्र और राज्य में मिला, आपने क्या किया? आज जमीन लूटने का ही पहला कार्यक्रम आप लोगों ने किया। आज देश में जमीन अधिग्रहण के नए नए कानून बन रहे हैं, श्रम कानून बन रहे हैं, आज पूंजीपतियों का जो षड्यंत्र है वन अधिकार कानून के किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर उनकी जमीन लूटने की तैयारी चल रही थी, किसी से छुपा नहीं। आज ये बैकडोर से कई ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिसके माध्यम से जो इस धरती के मालिक हैं, जो आदिवासी जो सबसे अधिक धरती के जमीन के मालिक हैं, आज उनकी जमीन लूटने की तैयारी। जब इस राज्य में 50% से भी अधिक यहाँ आदिवासी थे, आज 26% में कहाँ से आके खड़े हुए, कहाँ चले गए वो आदिवासी? बहुत बहुत धन्यवाद। और वो 26% आदिवासी जो गांव में भी हैं, शहरों में भी हैं, आज सब लोग एक मंच पे सड़कों पर निकलकर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ये अपने अस्तित्व की लड़ाई में अगर ज़रूरत पड़े तो एकजुटता प्रदर्शित कर सके और दिखा सके। इसी के साथ इस वक्त की बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम करते हैं सम्मान धरती के भगवान का, हम करते हैं सम्मान आपके योगदान का, हम करेंगे सम्मान आपके सम्मान का। कशिश प्रेजेंट्स डॉक्टर्स कॉन्क्लेव 25 अगस्त मौर्य होटल पटना। इवेंट पार्टनर इवेंट स्टॉपर। खबरें जहां सबसे पहले होती है अपलोड, खबरें जहां सबसे पहले होती है अपडेट, ना टीवी का झंझट ना केबल का टेंशन, ब्रेकिंग हो या एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद, न्यू इंडिया का न्यू प्लेटफॉर्म www.kashishnews.com। देवघर में सजेगी शिव भक्तों की महफिल। प्रणाम बोलबम, मैं सुनील छला बिहारी कशिश न्यूज के तमाम दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। बजेगा डमरू, झूमेगा हर दिल जब बोलेंगे छैला बिहारी। 11 अगस्त और 14 अगस्त को आप देखिएगा जरूर। कार्यक्रम स्थल नंदी बम सेवा शिविर देवघर, रात 8 से 9 बजे तक सिर्फ कशिश न्यूज पर। हम करते हैं सम्मान धरती के भगवान का, हम करते हैं सम्मान आपके योगदान का, हम करेंगे सम्मान आपके सम्मान का। कशिश प्रेजेंट्स डॉक्टर्स कॉन्क्लेव 25 अगस्त मौर्य होटल पटना। इवेंट पार्टनर इवेंट स्टॉपर। कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। पेट सभा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सभा हर रोग का रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। हमारा देसी सत्तू भी तो इंटरनेशनल पे भारी है, राजधानी सत्तू सब पे भारी। सहारों की जरूरत नहीं मुझे, मेरे हम सफर हैं डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। ग्रूमेट एडी विटामिन बेबी ऑयल, बच्चों की हड्डियां और मांसपेशियों की मजबूती के लिए। महिंद्रा ट्रैक्टर्स के परिवार से जुड़ चुके हैं 30 लाख किसान। महिंद्रा ट्रैक्टर, टेक्नोलॉजी से तरक्की। हम रखते हैं ख्याल शुद्धता और स्वाद का साहिब मसाला। पटना में जल जीवन हरियाली अभियान का शुभारंभ। सीएम ने कहा जल है तो हरियाली और जीवन है, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण की अपील। आज से आरजेडी की सदस्यता अभियान की शुरुआत। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव करेंगे आगाज, देश भर में 50 लाख लोगों को सदस्य बनाने का है लक्ष्य। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों और पदाधिकारियों की आज बैठक। बिहार से प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और झारखंड से डॉक्टर अजय कुमार समेत कई नेता होंगे शामिल।
विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी होंगे राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश माथुर। बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर यादव सह प्रभारी नियुक्त। कल झारखंड दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रांची में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का करेंगे शुभारंभ, तैयारियां लगभग पूरी। अगस्त क्रांति दिवस पर कांग्रेस के नेताओं ने की पदयात्रा, कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम से शहीद स्मारक तक निकाली गई यात्रा। भोजपुर के बगहा में दबंगों का कहर, छेड़खानी का विरोध करने पर महादलितों को पीटा, एक ही परिवार के 10 लोग घायल। दरभंगा में एएसआई की दबंगई, डीएमसीएच में अपने भतीजे से मिलने गए वकील के साथ की मारपीट, पीड़ित ने व्यवहार न्यायालय में दायर कराया केस। विश्व आदिवासी दिवस पर पारंपरिक वेशभूषा में सड़क पर उतरे अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री ने की जनजातीय भाषाओं को बचाने की अपील। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कशिश न्यूज में, मैं हूं आनंद विजय। पटना में बापू सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली और खुशहाली अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में सबका स्वागत पौधा देकर किया गया, वन को बचाने को लेकर पर्यावरण गीत भी प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 9 अगस्त 2011 को बिहार पृथ्वी दिवस मनाने का निर्णय लिया था, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट को देखकर विशेष अभियान चलाने का ये निर्णय लिया गया। इस मौके पर जल संरक्षण को लेकर 11 संकल्प भी लिए गए। उन्होंने लोगों को बताया कि जल और हरियाली अगर है तभी जीवन है, और लोगों को जागरूक और प्रेरित करने के लिए 4 योजनाएं भी बनाएंगे। साथ ही उन्होंने सौर ऊर्जा को असली बिजली बताया और लोगों से ज़्यादा वृक्षारोपण करने की अपील की। इस मौके पर उपस्थित लोगों को पर्यावरण और परिवर्तन पर बनी लघु फिल्म भी दिखाई गई। लेकिन उसकी बहुत कमी आती है आने लगी, और पिछले 30 वर्षों का अगर औसत देखिएगा तो ये लगभग 1027 मिलीमीटर हो गया है, लेकिन पिछले 13 वर्षों का आप देख लीजिए तो ये लगभग 900 मिलीमीटर पर आ गया, और पिछले वर्ष तो आप सबको मालूम है कि मात्र 771 मिलीमीटर की वर्षा हुई, और हम लोगों ने 280 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया पिछले वर्ष, और इस वर्ष भी क्या स्थिति हो गई, एक इलाके में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई और अचानक कितनी वर्षा हुई है, किसी किसी जिले में किशनगंज में तो 500 मिलीमीटर से भी ज्यादा की वर्षा हुई 4 दिन के अंदर, नेपाल की तराई में और अपने यहां कई उस सीमावर्ती जिलों में बहुत वर्षा पात हुआ अचानक, और उसके चलते फ्लैश फ्लड की स्थिति फिर इस बार उत्पन्न हुई, और उससे कितने लोग प्रभावित हो गए। और दूसरी तरफ आप देखिए तो वर्षा पात की इतनी कमी हो गई है, आप देख रहे होंगे कल से महसूस करते होंगे कितना बादल का मूवमेंट है, बादल जा रहा है, कल से तेज हवा भी चल रही है, बादल यहां थम नहीं रहा है, यहां वर्षा नहीं हो रही है, वो बादल दूर चला जा रहा है, दूर चला जा रहा है, क्या स्थिति हो गई है। तो ये स्थिति तो आप लोग देख ही रहे हैं, और हम लोगों ने यह महसूस किया, और हमने पिछले वर्ष भी कहा था जब हमने देखा कि भाई ये तो विचित्र स्थिति है, जेठ महीने में पुरवैया हवा बह रही है, तो घाट के मुताबिक तब तो फिर सावन में तो धूल उड़ेगा, और वही स्थिति पिछली बार भी हुई और इस बार भी क्या स्थिति हो गई, सावन का महीना है अब लगभग बीतने जा रहा है, आप देख लीजिए वर्षा पात कम, जुलाई में कुछ वर्षा हुई, लेकिन एक तरफ क्या स्थिति आ गई, और दूसरी तरफ जो वर्षा हुई उससे भी खरीफ के लिए वो कोई बहुत
जिसको कहिए कि बहुत ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा सका। तो हम लोग देख रहे हैं कि कई जिलों में सूखे की स्थिति, और इस पर हम निरंतर समीक्षा करते हैं। जून के शुरुआत में भी हमने किया, उसके बाद भी किया, जुलाई के अंत में भी किया और 18 अगस्त को हमने रख दिया। और सब जगह की रिपोर्ट, और अभी पूरे बिहार में हर जिले में हमने माननीय प्रभारी मंत्रियों को और प्रभारी जो हमारे अधिकारी हैं उनको भेजा कि सब जगह की स्थिति का आप जायजा लीजिए। कहीं आपदा आती है तो हम लोग आपदा पीड़ितों की सहायता जो कर सकते हैं और जिसकी जरूरत होती है उसको हम लोग करते हैं। और बिहार पृथ्वी दिवस के मौके पर कई जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जल जीवन और हरियाली अभियान के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। कई जगहों पर लोगों और अधिकारियों ने कशिश पर दिखाए जा रहे लाइव टेलीकास्ट को देखा और सीएम के संबोधन को भी सुना। उधर पटना में क्रांति दिवस के मौके पर कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत सदाकत आश्रम से की गई, जो शहीद स्मारक तक गई और वहां पर श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि अमर शहीदों की कुर्बानी से जो आज़ादी मिली है उसकी रक्षा के लिए कांग्रेस को मजबूती से काम करने की ज़रूरत है और देश में फासिस्ट ताकतों को रोकना है जो विभाजन करवाना चाहती हैं। यही अमर शहीद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्रांति दिवस के अवसर पर हर एक वर्ष की भांति इस साल भी हमारे सेवा दल के नेतृत्व में ये सदाकत आश्रम से यहाँ से तक शहीद स्मारक तक लोग पदयात्रा करते हैं और अमर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। सारे कांग्रेसी यहाँ जितने हैं, सब कांग्रेस के लोग, सभी यूइंग के लोग यहाँ उपस्थित हैं, सब पदयात्रा करते हुए यहाँ तक आए हैं। अररिया में दो दिन पहले हुए नाबालिग हत्या मामले का खुलासा हो गया है। ये मामला सिमराहा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर का है, जहां नाबालिग के साथ चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसका खुलासा गिरफ्तार युवक अमर कुमार दास ने पुलिस के समक्ष किया। बताया ये जा रहा है कि नाबालिग अपनी नानी के साथ गई थी और उसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। मिर्जापुर ग्राम में एक 12-13 वर्ष के नाबालिग लड़की का मृत्यु होने की सूचना मिली थी। उसकी बॉडी मिली थी और अटकलें ये लगाई जा रही थी कि उसका रेप हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या हुई। इस केस में भी तत्परता से सारे ऑफिसर्स के द्वारा कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने इस बात को कन्फेस कर लिया है कि घटना उसी ने की थी और उसके भाई ने और अन्य दोस्तों ने मिलकर लड़की के साथ पहले रेप किया था, उसके बाद में उसकी हत्या कर दी। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री और खूंटी से सांसद अर्जुन मुंडा ने रांची में एक पदयात्रा की। इस मौके पर अर्जुन मुंडा अपनी पत्नी मीरा मुंडा के साथ पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि विश्व आदिवासी दिवस का संकल्प विलुप्त होती जनजातीय भाषाओं को बचाने का के लिए लिया जा रहा है और आदिवासी समुदाय का अस्तित्व कायम रहे। उन्होंने कहा कि झारखंड समेत पूरे देश में आदिवासियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को सफल बनाना ही इस सरकार का उद्देश्य है। जनजातीय विलुप्त भाषा हो रही है, भाषा में जो लगातार हमला हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए। सबसे पहले मैं तो विश्व आदिवासी दिवस पर पूरे देश विश्व भर के आदिवासियों को शुभकामनाएं देती हूं और आज हम सबको गर्व है कि आज हम आदिवासी हैं। खूंटी के सांसद और जनजातीय मामलों में मंत्री
अर्जुन मुंडा ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सबको बधाई दी और कहा कि आदिवासी समाज अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को कायम रखे, यही उनकी अपील है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी योजनाओं के जरिए इस समाज को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना चाहती है। अर्जुन मुंडा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी निलय सिंह ने। आदिवासी दिवस के मौके पर हमारे साथ हैं जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी। सर क्या कहेंगे आज विश्व आदिवासी दिवस पर? मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और ये आह्वान करता हूँ कि अपने भाषा संस्कृति के बारे में हमेशा जागरूक रहे और अपनी परंपराओं के साथ अपने चरित्र को बरकरार रखते हुए आगे बढ़े। झारखंड के लिए कुछ विशेष? झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के आदिवासियों के प्रति भारत सरकार संवेदनशील है और भारत सरकार कृत संकल्पित है उन सारे क्षेत्रों के रहने वाले तमाम जनजातीय लोगों के विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अर्जुन मुंडा जी और इनका मानना है कि आदिवासियों का कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है और सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश के जनजातीय समुदाय के लिए। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ नीले सिंह, कशिश न्यूज, रांची। देश में जनता की राय और अधिकार हाशिए पर हैं। धारा 370 समेत विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें कहीं जो विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर अपने समुदाय के लोगों के साथ शोभा यात्रा में शामिल हो रहे थे। कशिश न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की निगाहें सिर्फ जमीन पर है, जमीन पर रहने वालों पर नहीं। मौजूदा सरकार आदिवासियों के हितों का दिखावा कर रही है। विश्व आदिवासी दिवस है आज। दुनिया भर के तमाम आदिवासी एक नारों के साथ कि दुनिया भर के आदिवासी एक हों, इस नारों के साथ 350 मिलियन आदिवासी विश्व भर में आज इस तारीख को जश्न के तौर पर, अपनी सामुदायिक एकजुटता के तौर पर मना रहे हैं। रांची की सड़कों पर प्रमुख नेता, आदिवासी समुदाय के लोग सड़क पर निकले हैं अपने कुछ मांगों के साथ, कुछ बातों के साथ, और इस एकजुटता को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारे साथ हेमंत सोरेन हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और इस आदिवासी समुदाय से ताल्लुक भी रखते हैं। आज सड़क पर अपने समुदाय के लोगों के साथ निकले हैं ताकि इस तारीख को वो अपने समुदाय के लोगों के बीच में मना सके। एक संघर्ष की तारीख भी है, एक संकल्प की तारीख भी है आदिवासी समुदाय के लिए। जानते हैं कि इस बार जैसे कि जो UNO ने घोषित किया है आदिवासी भाषा को थीम रखा है, आप क्या मानते हैं इस वक्त कहाँ है आदिवासी? देखिए, इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से आदिवासियों का उद्धार नहीं हो सकता। जब तक प्राकृतिक संसाधन पर आधिपत्य आदिवासियों का नहीं होगा, आदिवासियों की अस्मिता नहीं बच पाएगी। आज विकास के नाम पर जिस तरीके से आदिवासियों का जमीन हड़पा जा रहा है, जंगल उजाड़े जा रहे हैं, नदी हड़पा जा रहा है, सरना स्थल हो, मसना स्थल हो, सभी चीज़ें आज इनको रोकना होगा, तभी आदिवासी बच पाएगा। क्या धारा 370 के हटाने को भी कुछ लोग जमीन से ही जोड़ कर देख रहे हैं? धारा 370 आज के विषय पे जो राजनीति हो रही है, पहली बात कि कश्मीर भी भारत का हिस्सा है, वहाँ की जनता भी भारत के निवासी हैं। आज कोई भी चीज़ें जनमानस की मांग के आधार पर लोकतंत्र में होता है और लोकतंत्र में जब तक लोगों को विश्वास में ना लिया जाए तब तक कोई भी कदम उठाना घातक साबित हो सकता है। अब हमारे राज्य में CNT SPT कानून है, आपने देखा होगा बिना जन भावना के मौजूदा सरकार ने CNT SPT पर किस तरीके से हमला बोला था। तो आदिवासी भाई इस विषय पर मुखर होकर सड़क पर उतरे तभी आज ये बच पाया है। तो इस तरीके से देश या राज लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा, संविधान के माध्यम से चलेगा या फिर गुंडागर्दी से चलेगा, ये तय करना जरूरी है मौजूदा स्थिति पर। झारखंड के आदिवासियों को की हालात इस वक्त क्या देख रहे हैं आप, विपक्ष के नज़रिए से, अपने पार्टी के नज़रिए से?
झारखंड के आदिवासियों को किस जगह देख रहा है? आज इसकी अस्मिता खतरे पर है, आदिवासियत खतरे पर है। सत्ता पक्ष जब ये बार बार आरोप लगाती है कि विपक्ष विकास में जब सरकार रही, विपक्ष के यानी कांग्रेस की सरकार रही, तो आदिवासियों को फोकस नहीं किया गया और इस पिछड़ेपन की वजह जो है वो कांग्रेस को ही मानती है। तो पूरा 5 साल केंद्र और राज्य में मिला, आपने क्या किया? आज जमीन लूटने का ही पहला कार्यक्रम आप लोगों ने किया। आज देश में जमीन अधिग्रहण के नए नए कानून बन रहे हैं, श्रम कानून बन रहे हैं। आज पूंजीपतियों का जो षड्यंत्र है वन अधिकार कानून के, किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर उनकी जमीन लूटने की तैयारी चल रही थी, किसी से छुपा नहीं। आज ये बैकडोर से कई ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिसके माध्यम से जो इस धरती के मालिक हैं, जो आदिवासी जो सबसे अधिक धरती के जमीन के मालिक हैं, आज उनकी जमीन लूटने की तैयारी। जब इस राज्य में 50% से भी अधिक यहाँ आदिवासी थे, आज 26% में कहाँ से आके खड़े हुए, कहाँ चले गए वो आदिवासी? बहुत बहुत धन्यवाद। और वो 26% आदिवासी जो गांव में भी हैं, शहरों में भी हैं, आज सब लोग एक मंच पे सड़कों पर निकलकर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ये अपने अस्तित्व की लड़ाई में अगर ज़रूरत पड़े तो एकजुटता प्रदर्शित कर सके और दिखा सके। तो फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। कशिश न्यूज़, खबर भी असर भी। ग्रूमिट एडी विटामिन बेबी ऑयल बच्चों की हड्डियाँ और मांसपेशियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, नकालों से सावधान रहें। ग्रूमिट देखकर तब से आला साहिब मसाला। साहिब मसाले ही हैं क्यों खास, क्योंकि हम रखते हैं ख्याल, शुद्धता और स्वाद का। साहिब मसाला। आओ नए युग का निर्माण करें, पेड़ों से धरती का श्रृंगार करें। दिनांक 1 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले वन महोत्सव में अपने घर, कार्यालय और आसपास पेड़ लगाएं। पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ उनकी उचित देखभाल भी करें। वृक्ष और वर्षा का अनोखा है बंधन, पेड़ लगाकर बचाएं भविष्य सवारे जीवन। जल जीवन और हरियाली, चारों ओर रहे खुशहाली। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना? आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलिशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स, न्यू हाईकोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सिल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। हम करते हैं सम्मान धरती के भगवान का, हम करते हैं सम्मान आपके योगदान का, हम करेंगे सम्मान आपके सम्मान का। कशिश प्रेजेंट्स, डॉक्टर्स कॉन्क्लेव, 25 अगस्त, मौर्य होटल, पटना। इवेंट पार्टनर इवेंट स्टॉपर। कशिश न्यूज़, खबर भी असर भी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 3 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश माथुर को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं उन्होंने बिहार सरकार मंत्री नंदकिशोर यादव को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया है। केवल झारखंड ही नहीं बल्कि हरियाणा और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने कमर कस ली है। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भूपेंद्र यादव को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू एक दिवसीय दौरे पर 10 अगस्त को रांची आ रहे हैं। सबसे पहले एक निजी कार्यक्रम में होटल रेडिशन ब्लू में आयोजित कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। इसके बाद हरमू मैदान में कृषि विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। डीजीपी ने
कार्यक्रम स्थल हरमू में तैयारियों की आज समीक्षा भी की और इस दौरान सुरक्षा के हर बिंदु पर रांची SSP अनीश गुप्ता ने एक समीक्षा बैठक कर पुलिस अधिकारियों को निर्देश भी दिए। वहीं रांची एयरपोर्ट से लेकर होटल रेडिशन ब्लू और फिर हरमू मैदान होते हुए एयरपोर्ट तक की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। पलामू से खबर है जहां शहर के पंचमुहान चौक पर गोली चली है। छोटू पासवान नाम के शख्स के पैर में गोली लगी है। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और खबर पटना से जहां मणिपुर के 3 कुख्यात गिरफ्तार किए गए हैं। मणिपुर और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता मिली है। मणिपुर के 3 कुख्यात को पटना से गिरफ्तार किया गया है। मणिपुर की पुलिस आई थी और पटना पुलिस की मदद से एक संयुक्त कार्रवाई के दौरान ये सफलता मणिपुर पुलिस और पटना पुलिस को मिली है। मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब,